सीएसएस में एक बार ये वाला ऐसे बहुत इम्पोर्टेंट है सी पैक का, या पाक चाइना इकोनॉमिक कॉरिडोर कह लें या सिल्क रूट कह लें, चाइना डोमिनेशन ओवर 21st सेंचुरी, हर एक में आपको ये लिखना होगा पहले तो इसका बैकग्राउंड क्या है। सिल्क रूट एक बहुत कदीम रूट है जो हज़ारों साल पुराना है और एक ज़माने में चाइना पूरी दुनिया में डोमिनेट करता था ट्रेड में, और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है कि चाइना जाओ इल्म हासिल करो चाहे उसके लिए चीन जाना पड़े। तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात होगी तो एक इनम का बहुत बड़ा इशारा होगा, और अब आने वाले वक्त में आप देखें तो दुनिया में एक ही सुपर पावर दिख रही है और वो चाइना दिख रही है। वैसे तो चाइना कुल 6 इकोनॉमिक कॉरिडोर बना रहा है, लेकिन उनमें सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट है वो गवादर है, क्योंकि अगर वो गवादर के थ्रू तजारत करते हैं तो उनको हज़ारों माइल का डिस्टेंस कम हो जाएगा। और आपको बड़ी दिलचस्प बात बताऊँ कि चाइना के दो हिस्से हो हैं अगर ज्योग्राफिकल ऐसे देखें, कि ईस्ट चाइना और एक वेस्ट चाइना। 94% जो चाइना की पॉपुलेशन है वो वेस्ट चाइना में, और ईस्ट चाइना जिसका वेस्ट चाइना से रकबा ज़्यादा है वो सिर्फ 6% पॉपुलेशन है। क्यों? क्योंकि वो साइड पर ट्रेड ही नहीं होती, जितनी ट्रेड होती है वो होती है न्यू साउथ चाइना सी से, और न्यू साउथ चाइना सी के ऊपर भी बड़े झगड़े चल रहे हैं। इंडोनेशिया कहता है कि उसमें बहुत दावा करता है कि वो हमारा पार्ट है, मलेशिया भी उस पर दावा करता है, ताइवान भी करता है, वियतनाम भी करता है, फिलिपाइन भी करता है। अब उसका नाम क्या है? न्यू साउथ चाइना सी। तो इससे अंदाज़ा कर लें कि यार क्या चाइना का दावा सही है। अब वहाँ से जो उनकी ट्रेड होती है वो पूरा उनको साउथ ईस्ट एशिया हिंदुस्तान घूम के मिडल ईस्ट में जाना पड़ता है, और दुनिया का सबसे ज़्यादा जो ऑयल एक्सपोर्ट होता है मिडल ईस्ट से होता है। गवादर पोर्ट पड़ने के बाद चाइना को ट्रिलियंस ऑफ डॉलर का फ़ायदा होगा, और अगर चाइना को ट्रिलियंस ऑफ डॉलर का होगा, चूंकि ये पाकिस्तान के थ्रू गुजरेगा, पाकिस्तान को भी बिलियंस ऑफ डॉलर का फ़ायदा होगा। सबसे बड़ी बात, चाइना का ये जो एरिया है काश्कर वगैरह, ये आबाद हो जाएगा, ये डेवलप हो जाएगा, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन जो है वो ईस्ट चाइना में आएगी जो कि सिर्फ वेस्ट चाइना में थी, और ये बहुत बड़ा एक चाइना के लिए बूस्टअप होगा, क्योंकि वो जो दुनिया में नंबर वन पावर बनने का एक सपना देख रहे हैं और इकोनॉमी के लिहाज से नंबर टू पर तो आ चुके हैं, बहुत जल्दी वन भी बनने वाले हैं। ये मैं आपको बता दूं, अभी अमेरिका की ओवरऑल जीडीपी ज़्यादा है, लेकिन चाइना बड़ी तेज़ी से तरक्की कर रहा है और बहुत जल्दी अमेरिका को बीट कर देगा। थर्ड पे जापान है, फोर्थ पे इस वक्त जर्मनी है। तो ये जो इनका एक रूट होगा ये इस तरह से होगा कि काश्कर के सूबे से स्टार्ट होगा, फिर गिलगित बल्तिस्तान होते हुए एक मगरबी रूट है वो केपीके से बलूचिस्तान यानी गवादर जाएगा, एक मशरकी रूट है जो पंजाब सिंध से होता हुआ गवादर जाता है, और उसके बाद जाहिर सी बात है कि पाकिस्तान का ट्रेड बहुत बढ़ेगा। यही वजह है कि कुछ जो हमारे नेबरिंग कंट्रीज़ हैं वो इस चीज़ को इतने अच्छे तरीके से नहीं देख रही हैं, हालांकि उनका कोई नुकसान नहीं है, सिर्फ हमारा और चाइना का फ़ायदा है। आगे चल के सऊदी अरब का भी बहुत चांस है कि वो सी पैक में शामिल हो जाए, रशिया भी हो जाए, यूरोपीय यूनियन भी हो जाए। और ये जो गवादर की पोर्ट है हमने ओमान से ख़रीदी थी, और 1958 में उस वक्त भी अमेरिका ने बता दिया था कि बड़ा इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि गहरे पानी की बंदरगाह है। एक ऐसी बंदरगाह ईरान में भी बनाई है हमारे पड़ोसी मुल्क में, जहाँ से अफगानिस्तान तक का ट्रेड जा रहा है, लेकिन वो इतनी इम्पॉर्टेंट नहीं है, ना वो इतना गहरा पानी है जितना इम्पॉर्टेंट इस वक्त गवादर पोर्ट का है। और यकीनन गवादर पोर्ट की वजह से 21st सेंचुरी जो है कहते हैं ना सी पैक को, कि चेंजर है बहुत बड़ा, तो ये वाकई चेंज कर देगा। और न्यू साउथ चाइना सी से जब तक सारी चाइना की ट्रेड होती थी, और जहाँ अक्सर बंदरगाह सर्दियों में बिल्कुल जैम हो जाती थी, तो पूरे साल उनकी बंदरगाह चलेगी, और ईस्ट चाइना को भी वेस्ट चाइना को भी वही तरक्की मिल जाएगी जो ईस्ट चाइना को है। तो बहुत एक ये बड़ा रैपिड चेंज आने वाला है, तिब्बत का इलाका होगा या जो इनके काश्कर और सिंगसेंग सूमे वो भी डेवलप कर जाएंगे, और हमें इसका बहुत बेनिफिट मिलेगा कि बलूचिस्तान जो कुदरती वसाइल से माला माल है वहाँ पर, अब जब ये ट्रेड शुरू होगी तो इंशाल्लाह ताला वफल के बहुत अच्छी तरक्की होगी। ये मेरा चैनल जो है नया चैनल है सर अमीन एप्टेकिंग के नाम से, अमीन एजुकेशन पे तो सारी वीडियोस आती हैं एजुकेशन से रिलेटेड, इस पे एप्टीट्यूड टेस्ट की वीडियो आएंगी, और एक फिटनेस डॉक्टर डॉट अमीन भी अब मैंने जो है उसको भी एक्टिव कर दिया, और उस पर भी इंशाल्लाह आपको फिटनेस की वीडियोज़ देखती रहेंगी। और ज़्यादा अगर आपको वीडियोज़ चाहिए हज़ारों की तादाद में, तो अमीन एजुकेशन को आप ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट चैनल है मेरा। थैंक्स अ लॉट। नमस्कार। तो मान ये सभी की जो नीति ना